नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं विनीत देव आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। कोविड-19 कोरोना को हराना है, लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार सीजन 3। पिछले दो सीजन सुपर डुपर हिट रहे हैं और इसीलिए हम बढ़ रहे हैं सीजन 3 की ओर। लेकिन हालांकि अगर जायजा ले पिछले दो सीजन का, बहुत सारा टैलेंट हमें देखने का मौका मिला, बहुत सुरीले गीत हमें सुनाए दिए और बहुत सारा टैलेंट उभर के हमारे सामने आया। और तीसरे सीजन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन 3 गुना बढ़ चुके हैं। और इसी बीच अगर देखा जाए तो पिछले दो सीजन का अगर हम जायजा लें तो बहुत सारे कंटेस्टेंट तो हमें मिले, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जो इस सिंगिंग स्टार के नाम को लेकर अपना खुद का एक पिटारा लेकर बैठे। लेकिन वो डॉक्टर वनीता गर्दे राजे जी का ये जो प्यारा सा इनिशिएटिव है सिंगिंग स्टार का, वो आपके लिए बस एक ही बात कहता है कि हम ना किसी से पैसे लेते हैं इस चीज़ के लिए। जितने भी कंटेस्टेंट हम तक पहुंचे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, एक भी पैसा उनसे लिया नहीं गया है। लेकिन इसी नाम को लेकर, यानी सिंगिंग स्टार इस नाम को लेकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी सतर्क रहिएगा। क्योंकि डॉक्टर वनीता गर्दे राजे जी का इनिशिएटिव क्लियर है कि वो चाहते हैं कि जितना टैलेंट है वो सबके सामने उभर के आए, और इसीलिए उन्होंने पिछले दो सीजन में और इस थर्ड सीजन में भी यही इनिशिएटिव रखा है कि टैलेंट को उभरने का मौका दें और उसे दुनिया के सामने लाएं इस प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए बढ़ते हैं उस प्रोग्राम की ओर, लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार सीजन 3। लेकिन उसके पहले जिनके बारे में हम कह ही रहे हैं कि जिनका ये इनिशिएटिव है, उनके नजरिए से देखते हैं कि उन्हें इस सिंगिंग स्टार के बारे में क्या कहना है। डॉक्टर वनीता गर्दे राजे जी। नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर वनीता गर्दे राजे, डायरेक्टर ऑफ जीएससी एंटरटेनमेंट। सिंगिंग स्टार शो में आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन स्पेशल सिंगिंग स्टार शो जो हमने प्लान किया था और उसी हिसाब से सबके वीडियोस हमने मंगाए थे और ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल से काफ़ी सारे वीडियोस हमारे तक पहुँचे हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नवी मुंबई आवाज़ चैनल का। ये जो सिंगिंग स्टार शो हो रहा है वो नवी मुंबई आवाज़ चैनल और जीएससी एंटरटेनमेंट के माध्यम से हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे हमने एडवर्टाइज़ की थी और इस हिसाब से जैसे जैसे वीडियोस आए और सभी उम्र के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये शो का आज ही फर्स्ट एपिसोड आपके सामने होने जा रहा है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सिंगिंग स्टार शो ये हमने जो प्लान, ये जो हम शो स्पेशली अभी लॉन्च करने का एक कारण है कि जो कोरोना वायरस आया है, कोरोना की वजह से हम लोग सब प्रॉब्लम में, सब लॉकडाउन में बैठे हैं, तो इसीलिए सबका मनोधैर्य बढ़ाने के लिए ये शो का खास आयोजन हमने किया है। और ये इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस हमने नहीं ली, पूरा ही शो आप सबके लिए विनामूल्य किया गया है। और जैसे कि हमारा शो एक कहा जाएगा तो जी सिंगिंग स्टार डांस चैंप, नवी मुंबई डांस क्वीन और ये सब डांस और सिंगिंग के जो रियलिटी शोज हमने अनाउंस किए लॉकडाउन स्पेशल कोरोना को हराना इस टैगलाइन के अंडर, तो मुझे लग रहा है सबने सबका मनोधैर्य बढ़ाने के लिए, और ये सभी शो का कोई भी चार्जेस नहीं है। और बाद में अभी हम देखते हैं कि जैसे हमारा शो शुरू होने के बाद भी काफ़ी सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन शुरू की और काफ़ी मिलते जुलते नाम हमारे शो के उन्होंने भी रखे हैं। लेकिन ये मैं यहाँ पे बात क्लियर करती हूँ कि उन सभी शो से जीएससी एंटरटेनमेंट या नवी मुंबई आवाज़ चैनल का कोई संबंध नहीं है और ये शो सबके लिए पूरे पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं ली जाते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एपिसोड सिंगिंग स्टार एपिसोड फर्स्ट की तरफ और तहे दिल से मैं नवी मुंबई आवाज़ चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे सभी कंटेस्टेंट का, मैं यहाँ पे सिंगिंग स्टार के सभी कंटेस्टेंट जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हमारे तक भेजे और आप सभी के लिए मनोरंजन के लिए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज आपल्या देशात फार कठीण परिस्थिती आहे। आजच्या परिस्थितीवर काही सुचलं ते लिहिलं आणि तेच सगळ्यांसमोर सादर करीत आहे। साथ अशी कशी माणसाई जीवानिशी, घरी बसतात आहे शहाणपणू,
Well, again, hello and welcome to all the participants, all the parents, all the people who are watching us through this program. Thank you so much for joining in. चलिए बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की ओर. COVID-19 कोरोना को हराना है लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार सीजन 3 के पहले कंटेस्टेंट की ओर. एक्साइटेड हैं? जी हाँ, हम भी तो एक्साइटेड हैं. तो चलिए बढ़ते हैं पहले कंटेस्टेंट की ओर. आ रही आपके सामने नेरुल से 22 साल की अनीशा चौधरी. ये जिंदगी उसी की
वैसे दोस्तों आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, शुरुआत इतनी बेहतरीन हो चुकी है। प्यारा सा गीत अनीशा की आवाज में हमने सुना। चलिए बढ़ते हैं अगले और एक प्यारी सी सुरीली सी आवाज की ओर। कराड़ महाराष्ट्र से 24 साल की समीना शेख। वैसे दोस्तों हमने जब ये मैसेज स्प्रेड आउट किया था कि आप में अगर सिंगिंग टैलेंट है तो उसे हम प्लेटफॉर्म देने का मौका ज़रूर देंगे, और हमने वही एक जरिया बनाया और आप में से टैलेंटेड लोग उभर के सामने आए। ओवरऑल महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से भी हमें बहुत सारे कंटेस्टेंट मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और एक टैलेंटेड कंटेस्टेंट की और एपिसोड 1 के अगले कंटेस्टेंट नाला सुपारा से 28 साल के प्रीतम मोरे।
वैसे हमारा ये प्यारा सा बंधन कभी नहीं टूटने वाला, अटूट रहने वाला है और इसी तरह से मजबूती से आगे भी बढ़ने वाला है। तो चलिए इसी मजबूती को बरकरार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। डोंबिवली से 25 साल के आदित्य सुरेश। हमने जैसे कहा था कि सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं लेकिन इंडिया के कोने कोने से टैलेंट हम तक पहुंचा है और इस सिंगिंग स्टार के जरिए आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए नजर भी आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर, जो आते हैं डायरेक्टली गोवा से, पोंडा गोवा से 28 साल के नागेश। हवाओं में रहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना होवे तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तो मेरी मैं तेरा बादल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीरी जैसे, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में हो
अगर आप में टैलेंट है तो वो उभर के सामने आएगा। इसी तरह से और एक टैलेंटेड कंटेस्टेंट हम तक पहुंचे हैं, 45 साल के सीवुड से नेहा लालवानी। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा अजनबी कौन हो खूबसूरत से गीतों की लड़ी यहाँ पर लगती हुई हमें नजर आ रही है। एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें देखने का मौका मिल रहा है इस सिंगिंग स्टार के जरिए। चलिए बढ़ते हैं और एक टैलेंटेड परफॉर्मर की ओर, रीता ठक्कर। लगता है कि बात दिल की
छुपे लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, दर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। रीटा जी के इस खूबसूरत से गीत के बाद बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। वैसे एक प्यारी सी गजल इन्होंने चुनी है, मेल ओरिएंटेड गजल है, जगजीत साहब की आवाज में सजी हुई थी, लेकिन आज एक फीमेल वर्जन सुनने का मौका हमें मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं उस कंटेस्टेंट की ओर, नवी मुंबई से 39 इयर्स की प्रीति रंगलानी। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। फिलहाल मैं आपके साथ एक जगजीत सिंह का गज़ल जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आशा रखती हूँ आप सबको पसंद आएगा। हो शिवालो को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाए हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाए हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। थैंक यू। किशोर कुमार हैज ऑलवेज बीन एन इटर्नल पार्ट ऑफ बॉलीवुड लव सॉन्ग्स। न जाने कितने साल पहले ये गीत गाए गए थे, लेकिन आज भी वो प्यार जवा है और उन गीतों के जरिए हमें हमेशा से नजर आया है। इसी बीच किशोरदा का एक प्यार भरा नगमा लिए अगले कंटेस्टेंट हमारे सामने आ रहे हैं, 54 इयर्स के डोंबिवली से सुरेश संथनम। मेरी हंसिनी कहाँ
सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आज मेरी रातों में लहक रहा है तेरा कचरा, हो आज मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, हो आज मेरी रातों में लहक रहा है तेरा कचरा। क्या माहौल बन चुका है, हम फिर एक बार उस एवरग्रीन दौर में पहुंच गए हैं इन गीतों के जरिए। थैंक यू सो मच टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स हु हैव सपोर्टेड देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार। COVID-19 कोरोना को हराना है और हम हरा के ही रहेंगे, इन गीतों के जरिए एंटरटेनमेंट जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर, आते हैं लोअर परल से 57 ईयर्स की श्रद्धा कुडवलकर। जहाँ तक एवरग्रीन दौर की बात है, वो गीत तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इस दौर के भी कुछ प्यार भरे नगमे हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं या फिर घर में कहीं शांत से बैठे हो, बारिश का माहौल हो तो कहीं बूंदे टपकते हुए आप कॉफी की चुस्कियां ले रहे हो तो ये गीत भी सुनने में हमें मजा आता है। और इसी बीच और एक प्यारा सा नए दौर का गीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं 23 साल के सानपाड़ा से विक्रम तोरवी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले जा मिले, इश्क सोचा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। रंग तेरे नूर था जब करीब तू था,
एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। Well, let's move on to one more talented contestant. बहुत ही यंग है ये, जो इनकी एज बता दूं तो ऐसा लगेगा कि यंगस्टर ही है, ये सिर्फ 69 इयर्स के हैं। जी हाँ बिल्कुल 69 इयर्स के, आपने सही सुना। बढ़ते हैं इस एपिसोड के वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट की ओर, जो कि सिर्फ 69 इयर्स के हैं। आते हैं विले पार्ले से भरत देसाई। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब है दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। शायद कई साल पहले भरत जी किसी चेहरे पे मर मिटे होंगे और आज भी उन्होंने वही गाना उनके लिए डेडिकेट किया है। क्या खूब गाया है भरत जी, बहुत बहुत मजा आया। तो चलिए अगले कंटेस्टेंट की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, एरोली से 44 साल की सुशीला वड़नजू। Thank you.
तो हंसना कितनी ईज के साथ आपने ये गाना गाया है। हालांकि ये नए दौर का गीत है, लेकिन आपने अपने स्टाइल से इसे प्रेजेंट किया हमारे सामने। थैंक यू सो मच। चलिए इसी बीच अगले कंटेस्टेंट की ओर हम बढ़ते हैं। 50 साल की बोरिवली से मंजुला बोरीचा। के प्यार भरे बुलावे से परदेसी कहीं पर भी हो, वो जल्द से जल्द घर की ओर जरूर बढ़ेगा। इतनी प्यारी सी पुकार उन्होंने दी है कि भाई घर आ जा मेरे परदेसी।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट नाउ. आते हैं वाणी नासिक से 40 साल के योगेश देशमुख. रामी सरदार हमारा गायक नाची गीती रामी सरदार हमारा गायक नाची गीती देव देशन धर्म पाई प्राण धृत लहाती रामी सरदार आई चादर भात मगरी झुंझारा चीरित आई चादर भात मगरी झुंझारा चीरित तलवारी सी लगिन लागल जड़ली प्रीत लाख संकट झेल न अशी पहाड़ी छाती देव देशन धर्मा पाई प्राण घेतल हाती सुरमी सरदार हमारा कायक नाची भीती कटुन मराव हेच अमाला ठाव जीता बवा कटुन मराव हेच अमाला ठाव लरुन मराव मरुन जगा. शिवरायांच्या मावळ्याकडून ही शिवगर्जना आपल्याला या गाण्याच्या माध्यमातून ऐकायला मिळाली आणि खऱ्या अर्थाने हा मानाचा मुजरा आपणास. तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कंटेस्टेंट की ओर. समता मोदी और एक प्यारा सा गीत लेकर आपके सामने अगले कंटेस्टेंट लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार सीजन 3 में. जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया लागी मन में लगन हुई भावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया किसू
गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। Well, the next contestant from Navi Mumbai have chosen a great composition. This is one of the toughest composition, I would say, कि Bollywood industry में अगर जितने गिन चुन के toughest compositions होंगे उसमें से एक ये गीत जरूर माना जाएगा. कौन सा है ये गीत? चलिए बढ़ते हैं उन्हीं की आवाज में, सुनते हैं 46 साल के नवी मुंबई से अनीता मेखला. कहना ही क्या इन्हें एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले, अरमान दिल में ऐसे किले जिनको कभी मैं न जानू, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या इन्हें एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले, अरमाने दिल में ऐसे किले जिनको कभी मैं न जानू, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू, अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, पहले ही नजर में कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बसाए रिम जिम हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजर झुक जाए, सितम थोड़ी थोड़ी हम पे शोक हवा भी कर जाए, ऐसी चलिया चल उड़े दिल में तूफान उठे, हम तो लुट गए कड़ी ही कड़ी, कहना ही क्या इन्हें एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले. कहा था ना मैंने कि ये टफेस्ट कॉम्पोजिशन है, और कितनी बखूबी तरह से इन्होंने ये गीत गाया है, बहुत खूब मैम, बहुत बहुत ज़्यादा खूब. चलिए अगले कंटेस्टेंट की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं 33 साल के कोपर खैराने से अगले कंटेस्टेंट लीना शाह. कुछ खो कर पानी
दोस्तों कितने प्यारे बोल हैं इस गीत के। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शायद आजकल के दौर में ये बोल, ये शब्द जो है ना, वो सुनाई नहीं देते, लेकिन उस दौर में जो गीत सजे हैं वो आज भी एवरग्रीन क्यों हैं, इटर्नल क्यों हैं, इसी वजह से। बोल उतने प्यारे थे, गाया भी उसी अंदाज से था, म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी उसी तरह से बहुत प्यार से सजाया जाता था, और वही प्यार हमें उस गीत के जरिए नजर आया है। अगले कंटेस्टेंट की ओर हम बढ़ते हैं, बढ़ेंगे हम खारगर से आए 61 साल के आनंद धारवाल। एक लड़की थी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मेरे दिल अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। लड़की भी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मेरे दिल अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जिंदगी दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, जिंदगी दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई मन खाती हुई, सावन की सुनी रात में, मिल के अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिल के अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। So let's move on to last but not the least contestant of this episode number 1 of season 3, Singing Star. Abhi Pagare 40 saal ke ek pyara sa geet lekar aapke samne. कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, सब पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आज की दोस्ती के लिए आप चीजें ले लेंगे, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार,
इतने सारे खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर. कंटेस्टेंट नंबर 21 श्रुति 17 साल की गोवा से. लग जा गले देखते देखते हम एपिसोड नंबर 1 के लास्ट कंटेस्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं इस परफॉर्मेंस की ओर. सतीश मोरे 51 साल के पनवेल से. जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा. एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा. अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना. तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं. ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा. इसी बीच इसी एपिसोड को यहाँ पर हम एंड करते हैं. सभी कंटेस्टेंट को थैंक यू सो मच, उनके फैमिली मेंबर्स को और जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर वनीता गर्देराजे जी के जरिए और हम सभी कलाकारों की ओर जरिए. मैं विनीत देव आपसे अलविदा कहता हूँ. मिलेंगे अगले एपिसोड में. कोविड 19 कोरोना को हराना है लॉकडाउन स्पेशल सिंगिंग स्टार सीजन 3.